मैंने यही कहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, क्योंकि मेरी बेटी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, इसकी जांच की जाए। आपने जो एलिगेशंस लगाए हैं शैला रसीद पे, जो फंडिंग का है, किस तरह से फंडिंग होती है, उस पर अगर थोड़ा बताएं। देखिए, फंडिंग का मैंने इस तरह बताया है कि ये जो दो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, रशीद इंजीनियर और फिरोज वटाली, मैंने उसका रेफरेंस इस तरह दे दिया है कि वो दोनों जिन्होंने ये पार्टी की फॉर्मेशन की है, फिरोज पीरजादा बाहर है जिन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, वो दो अगर नेशनल एनआईए की कस्टडी में है, किस चार्जेस के अंडर वो कस्टडी में है। मैंने यही कहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, क्योंकि मेरी बेटी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, इसकी जांच की जाए। मैंने क्या गलत कहा है? तो आप कह रहे कि उनको भी फंडिंग आती थी शैला रशीद? नहीं, अगर जहूर वटाली और रशीद इंजीनियर टेरर फंडिंग के केस में बंद है तो नेचुरली अगर ये उनकी पार्टी में है तो बात सीधी है, इसका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट पता लगाना है क्या है। बाकी वो आजकल मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशंस लगाती है, वो करती है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने बात रख दी है उसकी पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए, फिर मैं वो एलिगेशंस की सारी, मतलब जितनी भी स्टोरी है इसकी, उसका रिप्लाई करूँगा। कल मैंने डीजी साहब के पास एक कंप्लेंट डाली हुई है, उस कंप्लेंट में मैंने एक्सक्लूसिव प्रेस को भी एक एक कॉपी दे दी है। मैं चाहता हूं कि एक बार ये इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि इसमें देखिए, भले ही मैं अपोलिटिकल आदमी हूं, लेकिन मैं कश्मीरी हूं ना, मेरे कंसर्न्स है अगर हमारे बच्चे वहां ज़ाया हो रहे हैं, इसमें मेरे कंसर्न्स हो सकते हैं, भले ही मैं कोई पॉलिटिकल लीडर ना हूं। तो देखना, हमें भी, हम सबको देखना है ना, ये कर क्या रहे हैं यहाँ। आपने ये भी कहा कि थ्रेट है आपको, निकाला, मैं भागा यहाँ इसीलिए आया है ना, जब मैंने कोर्ट से रेस्टोरेशन का ऑर्डर लाया, मैं सीधा एसएचओ कंसर्न के पास गया, क्योंकि उस ऑर्डर में डायरेक्शन था एसएचओ को कि फलाना आदमी को रेस्टोर किया जाए घर में, इवन यह तक कहा गया था कि ग्राउंड फ्लोर में इसको रेस्टोर किया जाए। तो एसएचओ ने कोई किसी तरह का कोई मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं किया, बल्कि मुझे अकेला छोड़ दे। मैंने कहा मैं अकेला जाऊं घर में घुसने के लिए, कहा चले जाऊं। तो इतने में उनको फ़ोन किया होगा कि ये घर में जाने वाला है, तो तीन चार लोग आ गए, उनमें से एक बॉडीगार्ड है इसका साकिब, उसने मेरे को पिस्टल दिखाई, कहा जी आपकी खैरियत यही है कि आप घर में घुसने की कोशिश मत करो, वहाँ ताले बदल दिए थे। मैं घर से निहत्ता नंगा निकाला है उन्होंने, ना कपड़े है मेरे पास ना कुछ है। तो इसका कंप्लेंट आपने किया? कंप्लीट पूरी सारी शिकायतें मैंने की है डीजी को, और उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि हम आपको पूरी सहायता करेंगे।